अस्सलामुअलैकुम छात्र मित्रों, आज नौवीं कक्षा की हिंदी भाषा में पहली कविता आराधना को हम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं वसंत बापड़। वसंत बापड़ हिंदी के ख्यातनाम कवि हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं, व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, ग्यारहवीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भावना से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवाद है, यानी कि मराठी भाषा में लिखी गई कविता का हिंदी भाषा में ही अनुवाद है। देखिए, हम सुबह शाम इबादत करते हैं। हिंदू सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। इसमें हम हमारे लिए तो मांगते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण हेतु हम कुछ भी नहीं मांगते। तो हमें ये चाहिए कि हम कोई भी आराधना, कोई भी पूजा, कोई भी इबादत करें, कोई भी बंदगी करें, सबसे पहले विश्व के लोगों के लिए मांगें, उसके बाद हमारे देश के, और उसके बाद हमारे राज्य के, उसके बाद हमारे कुंबे के, और उसके बाद हमारे लिए, तभी वह सच्ची प्रार्थना होगी। यहाँ इस प्रार्थना के संदर्भ में लेखक हमसे कहते हैं, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। शरीर एक मंदिर के समान है, चित यानी मन भी मंदिर के समान है, तो शरीर और मन में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि ईश्वर सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य आराधना, नित्य पूजा होनी चाहिए। क्योंकि सत्य है वहां सुंदरता है, सत्य है वहां मांगल्य भी है, तो इसकी पूजा अगर जो की गई, उसकी आराधना हमने की, तो सभी संसार के तत्व हैं उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना परिपूर्ण हमारे सामने होगी। कवि इसलिए ईश्वर से कहते हैं कि हमें ऐसी आराधना करनी चाहिए। दुखी यारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखी यारों का दुख दूर होना चाहिए। दुखी यारों का दुख दूर करने के लिए हमारे मन में एक ही कामना, एक ही इच्छा होनी चाहिए कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, उनकी वेदना को परख पाने की हमारे में संवेदना हो। कोई दिन दुखिया हमारे पास आए, अगर जो भोजन से वंचित है, तो हमारे मन में करुणा का भाव उसकी बातों को सुनकर जागृत हो जाए। अगर जो कोई दिन दुखिया ऐसा आए जो गरीब है, जिसको पैसों की बहुत आवश्यकता है, तो उसको देखने के बाद हमारे मन में संवेदना जागृत हो जाए और हमारे से जो भी बन पड़े उसे दें। ऐसी संवेदना हे प्रभु तो हम में जगा, ताकि हम दुखियारों को, दुखियारों के दुख चले जाएं, तो मनोकामना है हमारी, और दिन दुखिया के जो लोग हैं उनकी वेदना को परख जाएं हम। कोई अगर मुंह से न बोले तो भी उसके दुख दर्दों को हम जान सके, ऐसी संवेदनाएं भगवान हम में तो पैदा कर। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना, दुर्बल लोग जो हैं
जो गरीब हैं, दिन दुखिया लोग हैं, दुर्बल हैं, कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए मुझ में हिम्मत हे प्रभु तो दे, मुझ में मर्दान गीत हो दे। और उनके दुखों को दूर करने की मुझ में शक्ति दे ईश्वर। जीवन में न तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। जीवन में नवतेज पैदा हो हे भगवान, ऐसे लोगों के जीवन में जो गरीब दिन दुखिया हो उसके मन, उनके मन में नवतेज पैदा कर, अंतरंग में भावना, यानी हमारे शरीर के भीतरी भाग जो है मस्तक मन, उसमें यही भावना हो कि जीवन में नवतेज पैदा हो ईश्वर, सबके जीवन में नवतेज पैदा हो। और ये नवतेज जो पैदा होगा उससे ही हम कुछ कर सकेंगे, इसलिए हमारे शरीर के भीतरी भागों में मन और मस्तक में प्रभु तू नवतेज पैदा कर, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, और सुंदरता की आशा हो जिसमें, मानवता की उपासना, मानवता की पूजा करें हम, मानवीय मूल्यों की हम पूजा करें। जब मानवीय मूल्यों के बारे में हम अधिक से अधिक उसको हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे, तो ये अधिक से अधिक मानवीय मूल्य के द्वारा सुंदरता प्राप्त होगी हमें, और सुंदरता की आशा भी हमारे मन में जागृत होगी। ते प्रभु तो हम में नवतेज पैदा कर, अंतरंग में भावना पैदा कर, सुंदरता की आशा जिसमें से मिले, और मानवता की उपासना हमें पैदा कर। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, सभी को शौर्य मिले हे प्रभु, सभी को धीरज मिले, धीरज प्राप्त करे वे, यही अभ्यर्थना है मेरी हे प्रभु। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे अभ्यर्थना करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, सबको शौर्य प्राप्त हो, सबको धैर्य प्राप्त हो, और सबका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन सके। भेद सभी अस्त हो वे वैर और वासना। लोगों के मन में आज देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार की वैर भावना बहुत फैल गई है प्रभु। ऊंच नीच की भेदभाव समाज में देखने को मिलते हैं, संप्रदायों के भेदभाव समाज में देखने मिलते हैं प्रभु। ते सभी भेदभाव जो हैं उनको अस्त करते हैं प्रभु, और लोगों के मन में वैर और वासना की भावना जो है, वासना यानी किसी भी चीज को इच्छा अनुसार प्राप्त कर लेना, तो ये निकाल दे प्रभु। वैर भावना किसी से किसी की ना हो, सभी के मन मित्र की भावना हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नष्ट कर दे प्रभु, और मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और इंसान सभी एक बने, साथ रहे, और मानवता की जो परिभाषा है उसको हम पूर्ण करें, उसकी कल्पना जो हमारे मन में है कि मानवता वाला समाज कैसा होना चाहिए, तो इसको पूर्ण करें प्रभु। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं प्रभु, और यही आराधना है प्रभु, तू हमारी स्वीकार कर, यही आराधना को तू हमारी पूर्ण कर, और यही आराधना अगर जो पूर्ण हो गई तो समाज में सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो भावना जागृत हो जाएगी, और हमारा समाज, हमारा विश्व बंधुता की ओर आगे बढ़ेगा। हे प्रभु
सबका इसमें फायदा होगा। तो ऐसी आराधना कवि वसंत पापड़ ने इस काव्य में की है। अब इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य जिसमें सत्यम सुंदर सुंदरम और मांगल्य की भावना हो, ऐसी आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोगों के दुखों को मुक्त करने की मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ के लिए पुरुष पौरुष यानी मर्दानगी की साधना करना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश लाने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की भावना करते हैं जिसमें सत्य स्वतंत्र हो और भाईचारे की भावना से जुड़े हो, ऐसी बंधुता की कामना करते हैं। देखिए मित्रों, दूसरे प्रश्नों को भी हमें स्वाध्याय के रूप में लिखना है, आशय भी स्पष्ट करना है। विरुद्धार्थ शब्दों को देखिए, दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त तो उदय, ये विरोधी शब्द के उत्तर थे। यहाँ पर काव्य पहला काव्य परिपूर्ण होता है। अस्सलाम वालेकुम।